दिल्ली एनसीआर में जहां एक ओर चकाचौंध को देखकर लोग खींचे चले आते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां पर कई ऐसे प्लेस भी हैं जहां पर लोग जाना तक नहीं जाते। आइए आपको इस रिपोर्ट में एनसीआर की कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बताते हैं जहां पर लोग जाते हुए भी डरते हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। दिन में इस एक्सप्रेसवे पर हजारों की संख्या में गाड़ियां निकलती है, लेकिन रात होते ही यह रोड पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। अगर आप इस सड़क पर रात 12 बजे के बाद कभी फंस गए तो शायद ही कोई आपकी मदद के लिए आगे आए। यह हाईवे लूटपाट, रेप, हत्या और किडनैपिंग के लिए खासा बदनाम है। नाइट शिफ्ट में काम करने वाली लड़कियां इस हाईवे से कैब निकालने से भी मना करती हैं। मेवला भट्टी। गाजियाबाद के मेवला भट्टी में आजकल डर का बसेरा है। इस इलाके में कई भट्टियां हैं जहां दिन के समय तो लोगों की भारी भीड़ देखी जाती है, लेकिन रात होते ही ये इलाका सन्नाटे के आगोश में आ जाता है। लोग 11 बजे के बाद ना तो अपने घरों से बाहर निकलते हैं और न ही किसी के कहने पर भी अपने घर का दरवाजा खोलते हैं। निठारी गांव। निठारी हत्याकांड के बाद से ही इस इलाके में अजीब सा डर महसूस किया जाता है। लोगों का मानना है कि 2006 में इस इलाके से कई मासूम बच्चों और महिलाओं के अवशेष प्राप्त हुए थे, जिस वजह से यह नेगेटिव शक्तियों का जोर है। इस इलाके में घर खरीदते हुए या फिर घर किराए पर लेते हुए भी लोगों के मन में अजीब सा डर रहता है। नोएडा सेक्टर 71 और 74। यह इलाका रेजिडेंशियल कॉलोनी के लिए मशहूर है, लेकिन लोग पिछले कई दिनों से ऊपरी शक्तियों का असर महसूस कर रहे हैं। इन लोगों का दावा है कि इलाके में बढ़ते क्राइम की वजह से डर लगा रहता है। कई लोगों ने तो अपने घरों और फ्लैटों को बेचने का नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में इस इलाके में जाने से पहले आप एक बार जरूर सोचिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।